आज इस सेशन का हमारा टॉपिक है कंजेनाइटल क्लब फुट। ओके, तो ये ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स में आता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये फिफ्थ यूनिट आपका फिफ्थ यूनिट है, फिफ्थ यूनिट का टॉपिक है ये ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स। ओके, ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स में आप पढ़ेंगे कंजेनाइटल क्लब फुट। कंजेनाइटल क्लब फुट जो है उससे आप पता लगा रहे होंगे, कंजेनाइटल जो वर्ड है, कंजेनाइटल मतलब बाय बर्थ, बाय बर्थ ही जो क्लब फुट मतलब फुट का जो क्लबिंग हो जाता है दैट इज़ नोन एज कंजेनाइटल क्लब फुट। डेफिनेशन एक बार हम देखते हैं क्या है। कंजेनाइटल क्लब फुट और टेलिपस, इसको दूसरा, इसका जो दूसरा नाम है दैट इज़ टेलिपस। तो कंजेनाइटल क्लब फुट और टेलिपस इज़ अ नॉन ट्रॉमेटिक डिफॉर्मिटी। ठीक है, नॉन ट्रॉमेटिक डिफॉर्मिटी का मतलब है कि किसी भी ट्रॉमा के वजह से, किसी भी चोट के वजह से या किसी एक्सीडेंट के वजह से ये डिफॉर्मिटी नहीं है, ये बाय बर्थ डिफॉर्मिटी होती है। किसी भी रीज़न से, जैसे अगर ओलिगोहाइड्रोमेनियास है, ठीक है, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो अगर उसकी डेफिशिएंसी हो रही है, डेफिशिएंसी होने की वजह से जो बेबी है वो प्रॉपर तरीके से मूव नहीं कर पाते हैं और शायद उनके पैर जो हैं वो मुड़ के, मतलब बहुत ही कंप्रेस्ड एरिया में रहता है जिसके वजह से क्लबिंग ऑफ फूट हो सकता है, तो ये क्या है, नॉन ट्रोमेटिक डिफॉर्मिटी है। ओके, नॉन ट्रॉमेटिक डिफॉर्मिटी ऑफ द फुट। ओके, नेक्स्ट है द फुट इज ट्विस्टेड आउट ऑफ शेप और पोजिशन। क्लबिंग ऑफ फुट में क्या है, जो फुट होता है वो क्या है, या तो अपने पोजिशन से ट्विस्टेड होगा, मतलब ट्विस्टेड होगा, या थोड़ा बहुत जैसा नॉर्मल होता है वो नॉर्मल नहीं होता है। ठीक है, ओके, शेप चेंज होने के चांसेस रहते हैं और पोजिशन जो है वो भी चेंज होने के चांसेस रहते हैं, वो ट्विस्टेड रहते हैं। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट डेफिनेशन। नेक्स्ट मैं आपको समझाती हूँ कि नॉर्मल और फ्लेक्शन में क्या फ़र्क है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं एक बार डायग्राम से ही। ओके, फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल फुट है, ठीक है, ये नॉर्मल फुट है, तो अगर, ठीक है, ये नॉर्मल फुट है, ये आउटवर्ड्स है और ये इनवर्ड्स है। ठीक है, आउटवर्ड एंड इनवर्ड का मतलब अगर फुट ऐसे है, दिस इज़ इनवर्ड एंड दिस वन इज़ आउटवर्ड। ओके, तो ये नॉर्मल फुट जो है, अगर ये फुट इनवर्ड को ऐसे जाता है, ठीक है, अगर अंदर को ये ट्विस्टेड है, अंदर की तरफ ट्विस्टेड है, तो उसको हम बोलते हैं डॉर्सी फ्लेक्शन। ठीक है, ये जो ये नॉर्मल फ्लेक्शन है, दिस वन इज़ नॉर्मल फ्लेक्शन। ओके, अगर अंदर को है तो डॉर्सी फ्लेक्शन, और अगर बाहर को है, सपोज़ ये नॉर्मल फुट है, अगर फुट जो है वो बाहर को है, मतलब बाहर को ट्विस्टेड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लांटर फ्लेक्शन। ठीक है, ओके, तो अगर इनवर्ड है तो डॉर्सी फ्लेक्शन, आउटवर्ड है तो प्लांटर फ्लेक्शन, और ये क्या है, नॉर्मल फ्लेक्शन है। ओके, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स, कि कितने टाइप्स के होते हैं जो क्लबिंग ऑफ फुट है वो कितने टाइप्स के हैं। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम से कुछ समझाने के लिए शो किया, मतलब कोशिश किया है। टाइप्स अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला टाइप जो होता है वो टेलिपस इक्विनस है। ठीक है, टेलिपस इक्विनस में क्या है, ये जो लेग है वो कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, मतलब जो फुट है वो कुछ इस टाइप का होता है, ये जो एंकल वाला एरिया है वो थोड़ा ट्विस्टेड होता है और वो थोड़ा ऊपर को होगा। नेक्स्ट वन इज़ टेलिपस कैल्केनियस। टेलिपस कैल्केनियस में क्या है, आगे जो ये वाला एरिया, जो टो वाला एरिया है वो ऊपर होगा, मतलब अगर आप देखेंगे तो इनका कुछ इस टाइप का रहता है। ठीक है, ये एंकल वाला एरिया है और ये टो वाला एरिया है। ओके, ओके, नेक्स्ट आता है टेलिपस केवस। ठीक है, टेलिपस केवस में क्या है, केवस का मतलब केव जो होता है, आप जानते हैं केव, जो केव टाइप का फॉर्मेशन होता है, टेलिपस केवस में क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे केव जैसा फॉर्म हो रहा है, मतलब जो भी लेग है वो कुछ, जो फूट है वो कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, केव टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट वन इज़ टेलिपस वेरस। टेलिपस वेरस जो है इसमें क्या है, यहाँ डिप्रेशन है। ठीक है, जो अपवर्ड जो एरिया है, जो ऊपर वाला एरिया है फुट का, वहाँ पे डिप्रेशन आप देख सकते हैं, तो ये कुछ इस टाइप का होता है।
इसको क्लियर अगर आपको देखना है तो आप अगर ये इमेजेस गूगल करेंगे तो आपको ओरिजिनल फूड में दिखेगा, तो वो बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आता है टेलिपस इक्विनोवेरस। टेलिपस इक्विनोवेरस जो है ये मोस्ट कॉमन है और सबसे ज़्यादा टेलिपस इक्विनोवेरस ही होता है। 95% ऑफ क्लब फूड जो कंजेनाइटल क्लब फूड के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें से 95% ऑफ जो केसेस हैं वो क्या है, टेलिपस इक्विनोवेरस के ही हैं। टेलिपस इक्विनोवेरस में क्या है, ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया, ये थोड़ा ट्विस्टेड होता है, ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा टाइप का होता है। नेक्स्ट आता है टेलिपस कैल्केनोवेरस, ठीक है, कैल्केनोवेरस। कैल्केनोवेरस में क्या है, ये जो लेग है वो पूरा ही ट्विस्टेड है, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा ही ट्विस्टेड होता है, मतलब अगर सपोज़ ये लेग है तो फूड जो है वो पूरा ही ऐसे होगा, ठीक है। ओके, दिस वन इज़ टेलिपस कैल्केनोवेरस। नेक्स्ट वन इज़ टेलिपस वेलगस। टेलिपस वेलगस में क्या है, जो लेग आप ये देख रहे हैं ये वाला जो एरिया है ये थोड़ा इनवर्ड होगा, ठीक है, मतलब सपोज़ ये अगर नॉर्मल फूट है, ये टो है, ये नॉर्मल फूट है, तो ये जो ये वाला एरिया जो है वो कुछ अंदर को होगा, ठीक है, यहाँ से ऐसे और ये ऐसे, तो ये है टेलिपस वेलगस। नेक्स्ट आता है टेलिपस कैल्केनोवेरस, ठीक है, कैल्केनोवेरस में क्या है, ये वाला जो एरिया ये तो ट्विस्टेड है ही, ठीक है, ये वाला एरिया जो है ये ट्विस्टेड है, उसके साथ साथ ये जो एरिया है ये थोड़ा ऊपर को होगा, ओके। एंड लास्ट वन इज़ टेलिपस इक्विनोवेरस। तो इक्विनोवेरस में क्या है, ये जो ये एरिया जो है यहाँ पे आप थोड़ा डिप्रेशन देखेंगे, मतलब ये जो केव जैसा यहाँ पे भी क्या होता है, केव जैसा फॉर्मेशन हो गया है, और उसके साथ ही साथ ये वाला जो एरिया है वो ट्विस्टेड होगा, ओके। तो ये थे टाइप्स, मैं एक बार फिर से आपको समझा देती हूँ। जो कंजेनाइटल क्लब फूट है वो ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स के अंदर आता है। कंजेनाइटल क्लब फूट में क्या होता है, कंजेनाइटल मतलब बाय बर्थ, और क्लब फूट का मतलब है कि जो नॉर्मल फूट है उसका ट्विस्ट हो जाना, जो नॉर्मल शेप और पोजीशन होती है फूट की उसमें क्या हो जाता है, चेंजेस आ जाते हैं, एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं, और वो क्या होता है, थोड़ा बहुत ट्विस्ट हो जाता है, ठीक है। ये किसी ट्रॉमेटिक ये कोई ट्रॉमेटिक डिफॉर्मिटी नहीं है, किसी ट्रॉमा के वजह से नहीं हो रहा है यहाँ पे, जस्ट क्या हो रहा है, अगर एमनियोटिक फ्लूइड कम है या फिर जो बेबी का पोजिशन है वो करेक्ट नहीं है, तो देयर आर चांसेस कि उनके फूड जो हैं वो ट्विस्ट होने के चांसेस रहते हैं, ओके। उसके अलावा हमने देखा कि फ्लेक्शन क्या होता है, अगर जो नॉर्मल फ्लेक्शन मतलब नॉर्मली फूड जो है अगर वो इनवर्ड को आ जाए, अगर फ्लेक्शन इनवर्ड हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डॉर्सी फ्लेक्शन, और अगर आउटवर्ड को हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्लांटर फ्लेक्शन, ओके। उसके बाद हम टाइप्स देखते हैं, यहाँ पे कुछ 9 टाइप्स दिए हुए हैं, जिसमें से सबसे कॉमन कौन सा है, टेलिपस इक्विनोवेरस, जिसको जो मैंने बताया कि ऑलमोस्ट जितने भी केसेस हैं उसमें से 95% केसेस जो होते हैं वो टेलिपस इक्विनोवेरस के होते हैं। यहाँ पे टेलिपस इक्विनस है, टेलिपस कैल्केनियस है, टेलिपस केवस है, टेलिपस वेरस है, टेलिपस इक्विनोवेरस है, टेलिपस कैल्केनोवेरस है, टेलिपस वेलगस, टेलिपस कैल्केनोवेलगस, एंड लास्ट वन इज़ टेलिपस इक्विनोवेलगस। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट कंजेनाइटल क्लब फूड। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।